सो हाय गाइस, एक बात और बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा आपसे एनर्जीज की बात करती हूँ। मुझे नहीं पता ये संयोग है कि 23rd और 24th जनवरी जो मैंने डेट डिसाइड की है अपने सेमिनार के लिए, 22 तारीख को आपको पता है यहाँ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है आपको पता ही होगा, 22 तारीख को पूरे देश में जश्न है। भगवान राम का अयोध्या का मंदिर है, वो उद्घाटन हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा दिन इसी ऑडिटोरियम में लाइव दिखाया जाएगा, साथ में रात को 6 से 9 1,00,000 दिए हम लोग पूरे मंदिर में जलाएंगे। पूरे मंदिर में दोपहर 2 बजे से रंगोली बनाएंगे और 4 बजे भगवान राम की जो पालकी निकाली जाएगी और पूरा एक शोभा यात्रा होगी और साथ में प्रसाद वितरण भी पूरा दिन रहेगा, तो आप सब उसमें भी आ सकते हैं। वाओ, सो जिन लोगों ने अपनी डेट बुक कर दी है यहाँ पे 23rd और 24th सेमिनार के लिए, मैं चाहूंगी 22 तारीख को यहाँ पे आ जाइए। मैं एनर्जीज की बात करती हूँ, कैन यू गाइस इमेजिन कि इस स्थान की क्या एनर्जीज होगी जहाँ पे 1,00,000 दिए लगेंगे। सो इतनी एनर्जी इस स्थान की बढ़ चुकी होगी कि अगले दिन जब आप यहाँ पे आएंगे 23 और 24 जनवरी को, तब आप उस एनर्जी फील्ड में रहेंगे और जब आप उस एनर्जी फील्ड में रहेंगे जो मांगेंगे वो मिलेगा और हम तो खुद क्रिएट करेंगे अपनी डेस्टिनी यहाँ पे 23rd and 24th जनवरी को। मुझे नहीं लगता अब आपके पास कोई भी रीज़न है ना आने का। इतना बड़ा काम अयोध्या में हो रहा है और उसका लाइव हम यहाँ देख पाएंगे, 1,00,000 दिए लगेंगे। जस्ट इमेजिन, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि अंजना रितोरिया कब कर रही है सेमिनार 23 और 24 जनवरी को, जब 22 जनवरी को इस इस्कॉन की पूरी एनर्जी बढ़ चुकी होगी तब अंजना रितोरिया यहाँ आएगी। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस गाइस, अभी बुक कर दी थे आयुषी को बोल के 8433558905 में। मुझे खुद लग रहा है कि ये सब कुछ मेरे लिए नया है, मैं पहली बार आई हूँ और मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड?